राजस्थान में सियासत एक बार फिर गर्माने शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी में एक बड़े पद की आस लगाए बैठे सचिन पायलट को एक बार फिर झटका लग सकता है, क्योंकि गहलोत वापस फ्रंट फुट पर आकर खड़े हो गए हैं। कांग्रेस भी गहलोत को ही तवज्जो देने की तैयारी कर रही है। दरअसल हेमाराम चौधरी जैसे वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने विधायकी पद से इस्तीफा दे दिया है और हेमाराम सचिन पायलट के करीबी माने जाते हैं। हेमाराम के इस्तीफे के बाद कांग्रेस के ही चार नेताओं ने इस्तीफे की आशंका जता दी है। इनमें चाकसू से कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी भी शामिल हैं। सचिन पायलट की चिंता दिन पर दिन इसलिए बढ़ रही है क्योंकि कांग्रेस के शीर्ष नेता इस वक्त गहलोत की कार्यशैली को पसंद कर रहे हैं। इसीलिए आलाकमान की निगाहें इस वक्त गहलोत पर टिकी है कि उन्हें पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाए, लेकिन सचिन पायलट को महज एक स्टार कैंपेनर के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे आने वाले दिनों में पायलट सियासी खेल को गर्मा सकते हैं। क्योंकि इस वक्त न सिर्फ सचिन पायलट बल्कि उनके समर्थकों ने भी गहलोत में खामियां निकाली हैं। उनका कहना है कि साल भर पहले जिन बातों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रति नाराजगी जाहिर की गई थी, उसे अब तक नहीं दूर किया गया है। करीब एक साल का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अशोक गहलोत ने अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया है। सचिन पायलट को भी कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया है। ऐसे में देखना होगा कि गहलोत और पायलट के बीच ये मनमुटाव कितनी जल्दी सियासी बवाल में तब्दील होने वाला है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि सचिन पायलट कोई बड़ा खेल खेलने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।